नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। मधुबनी हत्याकांड को लेकर के बिहार की सियासत गर्म है। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मधुबनी के लिए रवाना हो गए हैं। जी हां, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए रवाना हो गए हैं और मधुबनी जाने से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। क्या कुछ कह रहे तेजस्वी यादव, आप खुद सुनिए। दो शब्द भी भैया में उन्होंने नहीं देने का काम किया है और पूरी तरीके से बिहार में आप कह सकते हैं कि राक्षस राज जो है वो कायम है। अब अलग अलग नाम पे संगठन चल रहा है, रावण के नाम पे संगठन चल रहा है, प्रशासन के लोगों को कुछ हम लोग तो जानते हैं रावण जो है बुराई का प्रतीक है। दशहरा में भी जो है रावण का वध किया जाता है ताकि सारी बुराइयों का प्रतीक को जो है हटा दिया जाए, अपने मन से जितनी बुराइयां वो हटा दिया जाए। और ऐसे ऐसे संगठन चल रहे हैं जिनको संरक्षण देने वाले कौन लोग हैं, वही लोग हैं जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं। अब मुख्यमंत्री से कुछ पूछा जाए तो मुख्यमंत्री जी को कुछ नहीं पता रहता। बिहार के ऐसे मुख्यमंत्री हैं थके हुए जिनको कोई जानकारी ही नहीं होता है और पूरी तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो समाप्त हो चुका है। जो नीतीश कुमार जी का इकबाल है वो ख़त्म हो चुका है। चलिए नीतीश कुमार कह रहे हैं पब्लिसिटी लेना चाहते हैं इसलिए लगातार अब वो घर से निकलेंगे नहीं, पीड़ितों का आंसू नहीं पोंछेंगे तो विपक्ष बैठी रहेगी क्या? विपक्ष की क्या जिम्मेवारी है? बेजुबानों का जुबान बनो, जिनके साथ ना इंसाफी हो रही उनको न्याय ना दिला। तो सुना आपने, तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार बच रहे हैं इस मामले पर बोलने से और उन्होंने ये भी कहा है कि विपक्ष का काम है सरकार को जगाना, अगर बिहार में इस तरह की घटना घटती है तो विपक्ष सरकार से सवाल करेगा ही करेगा। इस तरह की बातें कही है तेजस्वी यादव ने। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।